अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये सेट है हाईसेंस 40 इंच का एलईडी टीवी है। तो आज हम बात करेंगे इसके रिमोट सेटिंग, इसके मिरर ऑप्शन के बारे में, क्या आप इसके लोगो के बारे में, ठीक है, आप किस तरह इनको चेंज कर सकते हैं अगर आपका सेट, फर्ज करें आप देख सकते हैं। असल में इसमें मदरबोर्ड जो है वो मैंने चेंज किया, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं नो सिग्नल, यानी कि पिक्चर उल्टी है, ठीक है। हम अगर मेन्यू को प्रेस करें तो देख सकते हैं कि पिक्चर जो है वो उल्टी आ रही है, यानी कि जो हिस्सा ऊपर होना चाहिए वो नीचे है, जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो चाइना के रिमोट हैं, चाइना के टीवी हैं, वो तो आमतौर पर आप सबको पता है आपको उसका किस तरह के आप सर्विस मेन्यू ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रेस करना पड़ेगा मेन्यू रिमोट, अपने रिमोट कंट्रोल से मेन्यू प्रेस करें। मेन्यू प्रेस करने के बाद 1147, जब ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपकी फैक्ट्री सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो हमें जाना पड़ेगा, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मुफ्त बाज में ऑप्शन जो मिरर का ऑप्शन होता है इसकी तस्वीर सीधी करने के लिए, वो होता है पैनल सेटिंग में भी होता है, कुछ में जनरल सेटिंग में भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये लिखा हुआ पैनल सेटिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ पैनल सेटिंग, तो हम आएंगे पैनल सेटिंग में, ठीक है। ये पैनल सेटिंग, पैनल सेटिंग में आने के बाद इसको ओके करेंगे। जब इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें आना पड़ेगा मिरर ऑप्शन में, ठीक है। ये जब हम नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है मिरर मिरर मोड, ठीक है, मिरर मोड अभी वी है। बाज जगह में ऐसा होता है कि एच भी लिखा होता है, बाज में डिसेबल भी होता है, बाज में अनेबल भी होता है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो हमें आना पड़ेगा मिरर ऑप्शन में, ठीक है। तो हम यहां से इसको मिरर ऑप्शन में आते हैं, ये है मिरर ऑप्शन, इसको ओके कर देते हैं इसको, यानी कि हम इसको वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस इसको प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अभी हो गया डिसेबल, ठीक है। आप देख सकते हैं डिसेबल भी हुआ है, लेकिन ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, अभी भी तस्वीर इसकी उल्टी है। तो फिर दोबारा प्रेस करेंगे, तो दोबारा प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये इस साइड में अब आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो मिरर का ऑप्शन था वो ठीक हो गया। अब देख सकते हैं मिरर मोड एच प्लस बी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर फर्ज करें आपका मैपिंग का फॉल्ट आ रहा है, तो मैपिंग जो फॉल्ट है वो भी आप पैनल सेटिंग में जाएंगे। जब पैनल सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे, ज्यादातर ऑप्शन मिलता है LVDS कलर, सॉरी इसका LVDS टाइप फॉर CPS, ठीक है, LVDS टाइप, ये मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे यहाँ पे। तो अगर हम LVDS ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं तो ये इस ऑप्शन पे आते हैं, आप लिखा हुआ एक दो की किया, आप देख सकते हैं तीन चार, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये मैपिंग फॉल्ट इसका दूर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज कर। जब हम अगर हम यहाँ पे इसका केबल देंगे तो इसका मैपिंग जो आपके सामने आएगा तो पिक्चर ठीक नहीं आएगी, तो इसलिए इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फर्ज करें हम इसका लोगो जो वो अपीयर नहीं होना चाहिए, मसलन अगर आप हमने बोर्ड चेंज किया इसमें तो उसका लोगो, मसलन हाईसेंस का हमने इसमें हुंडई का ऐड कर दिया, या तो उसको हाईसेंस का सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, या फिर अगर उसका लोगो ना अपीयर करना हो तो इसकी वो भी इसी सेटिंग में, तो इसमें आमतौर पर ज़्यादातर जनरल सेटिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर इसके अदर में जब जाएंगे ये अदर का ऑप्शन मिलेगा, तो अदर में हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं। तो जब इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिरर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मिरर मोड यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जब नीचे आते हैं लोगो सेलेक्ट, लोगो वन, ठीक है, यहाँ से हम इसको लोगो को वो सॉरी नीचे वाला ये लोगो का ऑप्शन है,
तो लोगो यहाँ पे भी लोगो ऑफ हो गया। अब हम सेट को ऑफ करते हैं तो ऑन करते हैं तो हमारा लोगो जो है अपीयर नहीं होगा। मसलन मैं आपके सामने इसको एक्सेल किया, अब मैं सेट को ऑफ कर दिया, अब दोबारा से सेट को ऑन करते हैं। जब सेट को ऑन करेंगे तो अभी हमारा जो लोगो है वो अपीयर नहीं होगा, जैसा कि आपने देखा अभी कोई लोगो नहीं आया। ठीक है, अगर दोबारा मैं मेन्यू 1147 को प्रेस करता हूँ तो हम दोबारा से उसी ऑप्शन में जाते हैं लोगो के। ठीक है, ये लोगो माइक, इसमें हम लोगो को ऑफ किया हुआ, इसको ऑन कर देते हैं, लोगो वन नहीं रहते देते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेट को ऑफ करते हैं तो अब दोबारा से सेट को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लू के ब्लू टिक। ठीक है, ये बोर्ड है, नीचे हाईसेंस लिखा हुआ है लेकिन बोर्ड मैंने चेंज किया। ये इस तरह आप लोगों को भी आप यानी कि छुपा सकते हैं। इसके अलावा इसका मैपिंग जो फॉल्ट है वो भी रिमोट्स के जरिए आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मिरर का ऑप्शन है वो भी आप रिमोट से इसको ठीक कर सकते हैं।